गुड मॉर्निंग दोस्तों, तो करते हैं नए ब्लॉग की शुरुआत नए दिन के साथ। तो आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है सुबह के 6 बजे से। तो अभी ना, जैसे कि आपको कल वाले ब्लॉग में हमने बताया कि हम आए हैं अपने मायके में, तो यहाँ पर आ रही थी कल बताई, तो उसमें ना हमने जो है अच्छे से इंजॉय किया। और अभी ना आज है हम अपने मायके में, तो चलिए आपको घुमाते हैं आज अपने मायके की, शेयर करवाते हैं। और ये कौन है? हाय, ऐसे करो। तो ये मेरी बहन की लड़की आशु। तो ये रहा यहाँ का सुबह का सुंदर सा नज़ारा। तो दोस्तों अभी धूप आई नहीं है, तो अभी ना सामने आ रखी है हल्की हल्की धूप। और आज ना हम बाहर ही सोए थे क्योंकि गर्मी काफ़ी ज़्यादा है, तो काफ़ी अच्छे से नींद आई यहाँ पर। किस किस को आई अच्छे से नींद? सबको। और यहाँ पर मेरे साहब जी, कैसी नींद आई आपको भाई? कैसी आई? बढ़िया बढ़िया नींद आई। तो चलिए दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको ना कल वाले ब्लॉग में बताया था कि आज मैं आपको अपने मायके वाले घर का टूर करवाऊंगी। तो दोस्तों ना, मेरे साहब जी को देखो कैसे आलस आया हुआ है, सुबह सुबह इनको उठने का मन नहीं हो रहा है। तो चलिए जी, अभी पी लेते हैं हम चाय। और चाय ना आज हमें डिस्पोजल के ग्लास में मिली है। तो अभी ना यहाँ पर सुबह सुबह मालिश हो रहा है। गिरेगा तो ऊपर से ना, फिर लगेगा तेरे को पता। तो दोस्तों, किस किस ने करवाया है इस तरह का मालिश और किस किस ने किया है, जो भी मेरी एज के है ना सभी, तो उन्होंने मैक्सिमम सब ने किया है ऐसा मालिश, अपने अपने डैडी वगैरह को, भैया वगैरह को। तो अगर डैडी थके हुए होते थे ना, तो आते ही बोलते थे कि मुझे ना ऐसे मालिश करो, मेरे पीठ पे चढ़ के मुझे मालिश करो, गिरना मत वे। और अभी ना यहाँ पर धूप भी पहुँच चुकी है, तो चलिए आपको घुमाते हैं नीचे ना। अभी मामा जी वगैरह उठ चुके हैं सब भी, तो आपस में बातें कर रहे हैं, तो वहाँ पर चलते हैं, आपको भी घुमाते हैं। तो ये बनी है यहाँ पर ऊपर वाली मंजिल में नई वाला किचन, तो कुछ इस तरह से बनाया है, छोटा सा किचन है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो और ये रहे मेरे जीजा जी, और ये रही हमारी दीपू। हेलो करो, ऐसे करो। तो अभी अभी सो के उठी है ना, तो इसलिए नहीं कर रही अभी। तो अभी तो काफ़ी ज़्यादा सफाई है करने के लिए। तो ये है यहाँ पर रसोई किचन, और ये वाला है बाथरूम, तो इसको बंद किया है ना क्योंकि अभी इसको यूज नहीं करते हैं। और तो फर्स्ट वाला कमरा है ये किचन का, तो ये बाथरूम, और सेकंड वाला कमरा ये है। तो अभी ना यहाँ पर रखा तो कुछ नहीं है क्योंकि ये जल्दी जल्दी में तैयार किए कमरे ना, तो अभी यहाँ पर लाइट वगैरह नहीं लगी है। तो एक ये वाला कमरा है, और तीसरा ये वाला कमरा है, और चौथा ये वाला कमरा है। और इसके बाद ना यहाँ पर है बैठने के लिए, बाहर की ताजी ताजी हवा खाने के लिए। और दोस्तों यहाँ पर ना मुझे काफ़ी ज़्यादा एरिया ये वाला लगता है अच्छा घर का, क्योंकि यहाँ से ना इधर उधर देखने के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छे से नज़ारे है, और यहाँ पर ना हवा भी काफ़ी अच्छे से आती है। और दोस्तों आप ना यहाँ पर बैठ के दूर दूर तक देख सकते हैं। तो इसके बाद आता है ये वाला हॉल, जो कि काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, और बहुत ही बड़ा हॉल आया है यहाँ पर। और दोस्तों वो वाली जो स्पेस है वहाँ पर, तो वो छोड़िए मंदिर रखने के लिए। और इसके बाद एक वाला कमरा ये है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि हर कहीं ना ऐसा कचरा ही पड़ा हुआ है कल के फंक्शन का, तो अभी ये सब उठाना है। तो ये एक ये वाला कमरा है, और इसके बाद मैं लेके चलती हूँ आपको छत में। तो दोस्तों जैसे ना नीचे वाली दो मंजिलें हैं खुली खुली ना, तो उसी तरह यहाँ पर भी देखो कितना खुला स्पेस है। तो आप ना छत में जितना चाहे उतना सामान रख सकते हैं, तो पूरे घर का कबाड़ ना यहाँ पर छत में ही आ जाएगा। तो ये फ़ायदा होता है छत डाल के ऊपर चादर वगैरह डालने का, एंगल वगैरह डालने का।
तो आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा पूरे घर का कबाड़ ना ऊपर ही आ जाएगा। तो दोस्तों वैसे ना नीचे वाली मंजिल है, बिल्कुल उतना ही स्पेस है यहाँ पर भी, तो यहाँ पर ना कम से कम 20-25 बेड तो अच्छे से लग सकते हैं। अगर घर में कभी ना बड़ा फंक्शन होगा तो यहाँ पर लग सकते हैं 20-25 बेड तो। और दोस्तों वैसे भी ना अगर पार्टी वगैरह करनी हो ना घर में, तो नीचे वाले 2 मंजिल के एरिए को छोड़ के ना, तो यहाँ पर अच्छे से पार्टी वगैरह डेकोरेट हो सकती है। तो करेंगे कभी अगर वासु वगैरह का बर्थडे होगा और वासु की शादी का ना, हम यहाँ पर करेंगे, स्टेज वगैरह यहीं पर लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर भी ना काफ़ी खुला खुला स्पेस आया है। तो चलिए अभी आपको घुमाते हैं अब नीचे, और कौन कौन से मेहमान हैं नीचे। तो मैं तो अभी उठ के गई नहीं हूँ, और यहाँ से आप देख सकते हैं कि ऊपर है माता रानी का मंदिर। तो दोस्तों ये था हमारा यहाँ पर पुराना किचन, तो अभी ना यहाँ पर स्टोर रूम बना दिया गया है, तो वहाँ पर था नहाने के लिए बाथरूम, तो उसको भी बंद कर दिया है, तो ये वाला कमरा रहेगा अब स्टोर रूम के लिए। वैसे तो ना यहाँ पर स्टोर रूम की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि स्टोर रूम के लिए ना ऊपर छत ही काफ़ी है, तो यहाँ पर रखा है ऐसा स्टोर रूम का सामान। और यह दूसरा फ्रिज, तो यहाँ पर ना दो दो फ्रिज हैं। और ये वाला एरिया है यहाँ पर कार वगैरह खड़ी करने के लिए। और इसके बाद आता है यहाँ पर ये वाला हमारा हॉल, जहाँ पर की लगी है ऐसे अच्छी से कुर्सियाँ और सोफे वगैरह। और अभी ना उठ के भैया वगैरह बाहर बातें कर रहे हैं। और ये वाला कमरा है भैया भाभी का, तो घर में ना काफ़ी ज़्यादा कबाड़ ही कबाड़ हो रखा है, तो ये वाला कमरा है भैया भाभी का। तो ये वाला कमरा भी दोस्तों काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। और उसके बाद आती है यहाँ पर एक गैलरी, तो इसके बाद ना यहाँ पर भी स्टोर रूम ही है, तो यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा सामान पड़ा हुआ है ऐसे। और एक है ये वाला कमरा। तो दोस्तों पहले ना यहाँ पर मैं और मेरी छोटी बहन हम दोनों सोया करते थे, और ये हमारे दादाजी। तो दोस्तों ये हमारे दादाजी, इनसे मिलिया, और इनको शायद मैंने ना पहली बार दिखाया आपको ब्लॉग में इनका फोटो। तो ये है हमारे दादाजी, और ये भैया की फोटो, फौज वाली फोटो भैया की, तो ये तो अभी ना खराब हो चुकी है। और ये बासु की फोटो मेरे भतीजू की जब छोटा था, और ये वर्सु और ये बासु, तो ये ना तस्वीरें खराब हो चुकी है। और पीछे आप देख सकते हैं कि किताबें किताबें रखी है, और वहाँ पर है मोमो मेकर, और बाहर ना मेरे साहब जी कर रहे हैं पानी गर्म। तो इनको ना मैं सुनाई दे रही हूँ लेकिन दिखाई नहीं दे रही हूँ, अंदर देख रहे हैं। तो चलिए भैया अब लेके चलते हैं आपको दूसरे कमरे में। तो एक है ये वाला कमरा, तो यहाँ पर ना अभी गैस में चढ़ाए चावल। और ये है मम्मी डैडी के जवानी की कुछ तस्वीरें। तो दोस्तों इस वक्त हम ना लगभग, मैं तो शायद यही होती 6-7 साल की, इससे ज़्यादा नहीं होती, तो आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी तस्वीर आई है। और मम्मी को देख सकते हैं आपकी कितनी खूबसूरत आई है मम्मी, और डैडी भी ऐसे ही थे ना खूबसूरत, लेकिन इस वक्त ना डैडी के ऊपर वर्डन काफ़ी ज़्यादा था, क्योंकि हम भी 4-5 बहने थी हम, और सबसे बड़े थे भैया। तो ये वाला फ़ोटो ना उस टाइम का है जब भैया स्कूल में पढ़ते थे, लगभग 10वीं या 11वीं में। तो और हम तो फिर, मैं तो इस टाइम शायद दोस्तों ऐसे ही पहली या दूसरी में पढ़ती थी, तो उस वक्त का फ़ोटो है मम्मी डैडी का, और काफ़ी अच्छे लग रहे हैं दोनों इसमें। और दोस्तों बाहर ना सभी उठ के अभी बातें कर रहे हैं, तो मैं भी चलती हूँ इनके पास। तो अभी रह गया एक कमरा मुझे आपको घुमाने के लिए, जो कि इसके बाद ये वाला है। तो ये क्या है भाई ये वाला कमरा, तो इस वाले कमरे में भी ना बस वर्षा ने किताबें वगैरह रखी है। एक ये वाला कमरा है जहाँ पर की लगी है इन सब की फैमिली फोटो, जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। तो चलिए भैया अब लेके चलते हैं आपको बाहर,
और यहाँ पर बैठिए परु और दीपू। क्या कर रहे हो आप? बहुत लगी है। कहाँ लगी दीपू को? कहाँ लगी? कहाँ लगी दीपू को? आज देखा भी जान दे। तो ये हमारे ताऊ जी, वो वाले मामा जी, और ये हमारे भाई जी, और ये डैडी जी, और यहाँ पर बैठी हमारी मामी जी। क्यों बोले खरे, कौन आए सर? और ये मेरी बहन मटिये। तो यहाँ पर इस वाले एरिया में बनाया था कल की धाम का खाना। तो यहाँ पर ना अभी बना रहे हैं चावल बना रहे हैं अभी यहाँ पर। और दोस्तों यहाँ पर लगे आम, और अभी ना सभी बच्चे जा रहे हैं पानी भरने के लिए। तो ये लाएंगे लगभग 2-3 किलोमीटर आगे से पानी। तो यहाँ पर ना पानी की काफ़ी ज़्यादा दिक्कत है, तो ऐसे बोतलों में भर के लाएंगे पानी। और ये वर्षु कहाँ गई थी? अभी उठी तू? नहीं। तब क्या किया उसके बाद? क्या किया? तो दोस्तों इस वाले पेड़ के नीचे ना बिट्टू को बांधा होता था, जो हमारा डॉगी था बेचारा, तो उसको शायद ना शेर ने खा लिया है उसको। तो मेरे साहब जी बने अभी बोटी। तो चलिए जी, यहाँ पर गर्मा गर्म चावल भी तैयार हो चुके हैं बनके, और ये बची है कल की दाल वगैरह सब्जियाँ कल के धाम की, तो जो कि ख़राब हो चुकी है, तो इनको तो अभी ना नीचे गिराना पड़ेगा। तो यहाँ पर दोस्तों घर भी काफ़ी ज़्यादा दूर दूर है ना, तो इसलिए कोई लेके के भी नहीं जाता है। तो जो ठीक ठीक है उसको डाल लेंगे गाय को, और जो ख़राब हो गया उसको फेंक देंगे नीचे। और यहाँ पर हो रही है बातें सबकी, तो सभी अभी इकट्ठे हुए हैं थोड़ी देर के लिए, तो चाय पीने के बाद हो रही है सबकी बातें। तो खाना बन चुका है, बाद में खाएंगे हम सब खाना। तो चलिए जी अभी कर लेते हैं यहाँ पर नाश्ता। तो यहाँ पर ना आज भी हम खाएंगे धाम की तरह खाना, क्योंकि परिवार ना काफी ज्यादा बड़ा हो गया, तो इसलिए हम ऐसे ही खाएंगे खाना भी बैठ के सभी साथ में इकट्ठा होके। तो चलिए जी अभी ना सभी अपने अपने घर भी जा रहे हैं और ड्यूटी भी जा रहे हैं। तो अभी बबली अपने घर जा रही है, मेरी बहन छोटी, और मेरे साहब जी जा रहे हैं ड्यूटी, और बासु जा रहा है क्लास लगाने के लिए। तो बाकी देखते हैं, और मैं जा रही हूँ हॉस्पिटल, मुझे ना एक दो टेस्ट करवाने हैं हॉस्पिटल में, तो फिर देखती हूँ 1-1.5 घंटे बाद आ जाऊँगी मैं। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे, ठीक है? तो दोस्तों अभी ना 1 साल के अंदर अंदर यहाँ पर काफ़ी कुछ बदल चुका है। एकदम बदला बदला लगता है सब कुछ। और ये रहा हमारा प्यारा सा माइका। तो चलिए जी अभी मैं हॉस्पिटल में पहुँच चुकी हूँ। तो चलिए जी अभी आए थे हम हॉस्पिटल, तो अभी ना कल परसों में दोबारा से आना पड़ेगा, क्योंकि आज तो छुट्टी है। तो चलते हैं अभी यहाँ से, तो मेरे साहब जी जाएंगे अभी ड्यूटी। तो चलिए जी अभी हॉस्पिटल से आने के बाद मैं थोड़ी देर के लिए आ गई हूँ यहाँ पर कॉम्प्लेक्स में, तो यहाँ पर घूम लेती हूँ थोड़ी देर। मुझे यहाँ से ना थोड़ा सा सामान लेके जाने को है, तो ना धूप भी काफ़ी ज़्यादा हो रही है, तो जल्दी से लूँगी मैं सामान और यहाँ से चला जाऊँगी सीधा घर के लिए। तो चलिए जी यहाँ पर देखिए साफ सफाई का काम चला हुआ है, तो ये तो अच्छा हुआ कि मैं बाजार चली गई, नहीं तो मेरी आती यहाँ पर शाम तक। तो अभी ना सुबह अपने घर जा रही है, और मेरी बहन भी अपने घर जा रही है, तो अभी थोड़ी देर में ना मैं और अर्जुन भी चले जाएंगे अपने घर। आशु कब आएगी फिर? बोलो कब आएगी आशु? बर्थडे जन्मदिन को आएगी तेरे, जाना कि यहीं रहना? जाना
तो चलिए जी, ये दोनों भी जा रहे हैं घर, और मैं और अर्जुन भी निकल जाएंगे। बाय। आना आशु मेरे घर, ठीक है? है? बाय। तो चलिए जी, अभी ना मेरी बहन जाते जाते फिर से आ रही है, इसका मन नहीं हो रहा है घर जाने का, तो ना गाड़ी छूट गई, गाड़ी छूट गई, आप लोगों ने छुड़ा दिया, अब क्या करें? अब जाना, फिर हम भी जाएंगे फिर। छुड़ा दिया तो फोन में तेरे मामू, ये करो नीचे नीचे। तो चलिए जी, अभी हमारा दिन का खाना भी हो चुका है, और अभी ना सभी चले गए हैं अपने अपने घर के लिए, और यहाँ पर बचे हैं मामी। और मैं और अर्जुन हैं, तो हम भी चले जाएंगे। और आज ना साथ ही साथ बारिश भी आ रखी है बाहर बहुत जोरों की, तो अभी मुझे लगता है कि मुझे और अर्जुन को तो घर ना भीगते भीगते जाना पड़ेगा। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि मौसम के कैसे हाल हो रखे हैं। तो आज ना काफ़ी जोरों की बारिश आ रखी है, और मुझे लगता है कि आज तो यहाँ पर भी पड़ेगी। चल मम्मी, ठीक है, ठीक है मम्मी। नहीं नहीं रखो, ठीक है मामी। पाई है गई, ओ पाई की ए से भाभी यार गाभी सा गेट बाबा भी पाई की पाई को पाई की तुम जाई सब जाना सा। और ना अभी बारिश बारिश कर रहे हैं, और तब तक पड़ ही गई है बारिश काफी ना, बड़े बड़े बूंदे पड़ रही है अभी। और को खड़ा थाम भाभी चिकित चल रहे भाई, तो ऊपर खड़े हैं भैया, तो भैया को ना शर्म लग रही है कैमरा के आगे आने के लिए। तो अभी ना यहाँ पर ये जो है डेकोरेशन का सामान बच गया है यहाँ पर, टेंट वगैरह उठाने के लिए, तो ये उठाएंगे, वो जिन्होंने इसको लगाया है तो वही उठाएंगे इसको। और ना मम्मी जा रहे हैं नीचे गौशाला में गाय को घास डालने के लिए, और मामी जा रहे हैं अपने घर। मामी ऐसा की जाना तो सब ही टप्पे वाले वाली पूजी होना। चला तो अभी ना हल्की हल्की बारिश पड़ रही है, और लोगों ने देखो जंगलों में आग लगाना भी स्टार्ट कर दिया है। तो चलते हैं भाई, गाड़ी जो है हमारी आ चुकी है। तो चलिए जी, अभी हम कोटली में पहुंच चुके हैं, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी कितने जोरों की बारिश हुई है। तो अभी ना हमारी गाड़ी आने को थोड़ा सा समय है, तो इसलिए हम करेंगे यहाँ पर गाड़ी का वेट। और दोस्तों, अभी ना हमारी साइड बारिश जो है बंद हो चुकी है, और काफ़ी अच्छा मौसम हो रखा है। हम अपने घर में पहुंच चुके हैं, और यहाँ का मौसम आप देख सकते हैं कि कितना एकदम ठंडा ठंडा है, देख ही सकते हैं आप, महसूस नहीं कर सकते हैं कि कितना ठंडा है। और ये यहाँ पर छोटी,
तो छोटी ने ना बाल क्यों छोड़े हैं शाम के टाइम खुले भाई, क्यों छोड़े हैं बोल। तो चलिए जी, लगभग एक दिन के बाद आज हम अपने घर में पहुंचे हैं। तो दोस्तों हम ना घर से जाते नहीं हैं, इतना ज़्यादा मेहमान बस ऐसे जाते हैं दिन दिन को। तो आज ना कल सुबह के गए थे हम, तो आज आए हैं, तो आज ना हमें एकदम ऐसा फ्रेश फ्रेश लग रहा है ना। तो हो जाता है अगर घर में रहते हैं तो बोर बोर हो जाते हैं, और अगर कहीं बाहर से आते हैं ना घूम के तो अच्छा अच्छा लगता है। और अभी ना हमारे यहाँ पर अच्छे से हवा चली हुई है, देख सकते हैं आप कि फूलों के पेड़ ना कैसे अच्छे से हवा से हिल रहे हैं, और एकदम ना ताज़ी ताज़ी हवा चली हुई है। और दोस्तों ना अगर मैं आपको बताऊं कि हमारे यहाँ का मौसम ना एकदम ठंडा ठंडा है, वैसे दिन को तो हो जाती है गर्मी, लेकिन जब हम ना अपने गांव से दूसरे गांव में जाते हैं तो हमें ना एकदम अलग सा मौसम लगता है। तो चलिए अभी बनाते हैं अपने लिए चाय वगैरह और करते हैं फिर आराम, और इसी के साथ आज के ब्लॉग को भी एंड करते हैं और मिलते हैं आपसे फिर जल्दी आगे वाले ब्लॉग में। तब तक गुड नाइट, शुभ रात्रि, और आप सब अपना ख्याल रखना।